हम लोग तकरीबन 11 लोग हैं, 10 साइकिल से हैं और एक हमारा रथ सारथी है जो छोटा सा गाड़ी है जिसमें हमारे सामान आए हैं। हम 5 तारीख को रामचंद्र जी के पास मंदिर से पुणे से निकले हैं और अयोध्या तक की यात्रा तकरीबन 2000 किलोमीटर की हुई। 13 दिन में हम लोगों ने यात्रा पूरी की। दिन में ही हम साइकिल चलाते थे, रात को जहां भी मौका मिलता था वहां पे सोने के रेस्ट करते थे और ठंड हो कुछ भी हो सबों ने बहुत अच्छा मतलब से अपने मन की भक्ति को प्रदर्शन किया है। कई लोगों ने पहली बार साइकिल छुआ है, जैसे ये हमारे चौहान जी हैं, इन्होंने पहली बार साइकिल उठाया और 2000 किलोमीटर की यात्रा की है। बहुत बड़ी भक्ति, दिल की भक्ति। क्या मैसेज देना चाहेंगे कार सेवकपुरम पहुंचे? हम कार सेवकपुरम में उन सभी कार सेवकों के लिए अपनी श्रद्धांजलि देते हैं जो अपनी प्राण छोड़ करके गए और भगवान श्री राम से प्रार्थना करते हैं कि उनके मन में हमेशा भक्ति बनी रहे। जय श्री राम। हम चले हैं बिहार बेगूसराय जिला से। और ये कब आए अयोध्या, किस मिशन के तहत आए हैं आप? मिशन मेरा है नमस्ते बिहार। दूसरी बात है, मैं पूरे बिहार का संकल्प लेकर आए थे, माता गंगा का जल लेकर आए थे। आप तो सिमरिया धाम जानते होंगे, उसी सिमरिया धाम से माता का जल हम कलश लेकर आए थे। हम आए हैं 11 जनवरी को, हमको 6 दिन लगा, उस दिन मेरा जल नहीं जमा हो पाई और मैं 12 जनवरी को जल जमा किए हैं विश्व हिंदू परिषद में। उसके बाद मैं राम रमैया के बगल में बाबूजी का एक आश्रम है, वही बाबूजी के आश्रम में मेरा जगह मिली हुई है, मैं वही विश्राम करती हूँ। आप जो सिमरिया से चले हैं, बेगूसराय से या अयोध्या साइकिल से आए हैं? हाँ हाँ, साइकिल से आए हैं, चल के आए हैं। अच्छा, तो फिर क्या बिहार मैसेज लेके जाएंगे? बिहार मेरा है नमस्ते बिहार का मैसेज है। आने वाला 2025-26 में जब बिहार चुनाव होगी तब नमस्ते बिहार का, तब तक मैं पूरे जिला का एक एक जिला भ्रमण करूंगा और बाबू श्री राम जी का प्रसाद मैं हर एक जिला और हर एक घर यही साइकिल से वितरण करने वाला हूँ।